एवरीवन वेलकम टू माय चैनल्स गाइस, कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी सुबह का टाइम है, सुबह के लगभग 9 या 9:30 हो रहे हैं। और अभी ना भाई और पापा ये कुछ सीनरी लेकर आए थे मार्केट से, जो मीनाक्षी की शादी में उनके इन लॉस को दी जाएंगी और भी बाकी लोगों को दी जानी है। और जब ये पापा लेकर आए तो हम लोगों ने देखा कि इस पे नीचे पापा के नेम के और मीनाक्षी और उनके हस्बैंड के नाम के ना स्टिकर लगाए गए हैं। सो उसमें पापा का नाम हो गया है गलत, तो अभी उसको ठीक करने डालना पड़ेगा। और कई बार ऐसा हो जा रहा है कि कुछ काम होके आ रहा है तो उसमें कुछ कमी हो जाती है, कभी कुछ कमी हो जाती है, तो वही सब हम लोग देख रहे हैं कि कैसी हैं क्या हैं यही सारी चीज़ें। और अभी ना थोड़ी देर में मैं जाऊँगी इनके साथ मार्केट, इनकी ना अभी शॉपिंग रह गई है और सबकी शॉपिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। और आप लोग सोच रहे होंगे ना इनकी किनकी, तो मिस्टर हस्बैंड के साथ मुझे मार्केट जाना है क्योंकि उन्होंने ना अभी कुछ भी कपड़े वगैरह नहीं खरीदे हैं, सो वही हम लोग जाएंगे ख़रीदने। और थोड़ा बहुत सामान मुझे भी लेना है, सो देखते हैं कैसे क्या हो पाता है। सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं मार्केट, मैं और ये और भैया आए हैं और यहाँ पे इन्होंने अपने लिए कपड़े देखना स्टार्ट कर दिया है। एंड गाइस, हम लोगों ने ना इतने सारे कपड़े देखे थे और कुछ भी ना पसंद ही नहीं आ रहा था। मेरा मन था ना कि ये ब्लैक कलर का ड्रेस लें और इनका मन था कि ये ब्लैक ना लें, तो हमने कहा चलो ठीक है क्योंकि ब्लैक ना ऑलरेडी इनके पास एक दो है, सो हमने कहा ठीक है कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। और अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं शूज़ लेने और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे घर। एंड गाइस, मैंने ना आज मार्केट का कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं कर पाया क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी और फिर उतना ज़्यादा मन भी नहीं था, तो मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया है। मार्केट से आने में ही ना हमको बहुत लेट हो गया था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिल गया था ना कल, पता नहीं कोई रैली वैली निकल रही थी तो सारे रास्ते जो हमारे घर तक पहुंचने के सारे रास्ते हैं उन पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा था कि ई रिक्शे से भी हम लोग नहीं आ पाए थे, तो हम लोग को ना पैदल ही आना पड़ा मार्केट से घर तक, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। और फिर आने के बाद मेरा मूड भी नहीं हुआ कुछ भी शूट करने का, हम लोग बैठ गए मम्मी जी के साथ, ढेर सारी बातें करने लगे ऐसे मीनाक्षी की शादी के बारे में। और अभी बस गया है एक, सो सुबह से सारा काम वाम किया, खाना पीना बनाया और अभी सब लोग मार्केट गए हैं, मतलब मम्मी जी पापा जी मार्केट गए हैं, भैया और ये भी गए हैं किसी काम से, पापा मेरे को थोड़ी शॉपिंग करनी है और भैया और ये किसी काम से गए हैं। सो अभी मैं अकेली हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना वीडियो कंटिन्यू कर लूँ। और कल ना मैं मायके से ही इनके साथ मार्केट गई थी, फिर मैंने सोचा कि ना यहीं पर आ जाती हूँ, मतलब ससुराल आ जाती हूँ, अभी ये भी आ गए हैं तो आज ये चले जाएंगे, फिर मैं भी चली जाऊँगी मायके वापस। तो और अभी मैं जाऊँगी छत से कपड़े लेने, मैंने ना इनके कुछ कपड़े वॉश करके डाले हुए थे, तो चलिए पहले अभी हम चलते हैं छत पे कपड़े लेकर आते हैं इनके। गाइस, अभी पापा जी भैया मम्मी वगैरह सब लोग मार्केट से आ गए हैं और अभी ना मैं बैठ के मीनाक्षी की लगन का वीडियो एडिट कर रही थी और उसको देख के ना मुझे इतना बुरा लग रहा था, इतना मुझे रोना आ रहा था कि ना बहुत ज़्यादा, जब उसकी लगन रख के जा रही थी ना तब वो रोने लग गई थी और वो चीज़ देख के मुझे बहुत बहुत बुरा लग रहा था। और पता है मुझे लगता है ना कि क्यों यार ऐसा होता है कि लड़कियों की शादी कर दी जाती है जिस घर में वो पैदा हो, जिस घर में वो पैदा होती हैं, बचपन उनका पूरा जाता है, उनके लाइफ के कम से कम 20 साल तो जाते ही जाते हैं और अचानक से उनको वो घर छोड़ के किसी और के घर जाना होता है, वो भी हमेशा के लिए, और इतनी सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, इतना सब कुछ, शादी के बाद बहुत चेंजेस आ जाते हैं लाइफ में। जिनकी शादी हो चुकी है मुझे पता है वो लोग इस बात को ज़रूर समझेंगे कि ना शादी के बाद लाइफ में कितने सारे चेंजेस आ जाते हैं, मेंटली फिजिकली हर तरीके से लड़की को बहुत कुछ
देखना होता है। ससुराल चाहे कितना भी अच्छा हो, यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ससुराल सपोर्ट नहीं करता है, ऐसा कुछ नहीं है। ससुराल चाहे कितना भी अच्छा हो लेकिन मायका मायका ही होता है। तो गाइज मैं आ गई हूँ अभी घर पे और गाइज ये देखो ये यहाँ पे बनाए हैं समधी और ये बनाई है समधन। कितनी अच्छी लग रही है। हाँ होट बहुत बड़े कर दी। ये कपड़े तो अच्छे लग रहे हैं गाइज, ये वाले कपड़े ना मैंने बनाए थे और ये बनाए थे दीदी ने, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। और ये अम्मा जी ने बनाए हैं गाइज, देखिए ये हैं अम्मा जी जिन्होंने बनाए हैं ये समधी समधन। अम्मा जी बड़े मस्त बनाए हैं आपने। अच्छा अपनी तरह एकदम मस्त। सास कहाँ दिख जाएंगी इसमें, इसमें तो आप दिख रही है, तो वीडियो बन रही है। आप घर को बना रहे हैं। हाँ आपकी बना रहे हैं। अच्छा अच्छा लगे तो समझा देना समझ उनको आराम से। अच्छा अम्मा जी अगर मीनाक्षी की सास देख रही है मान लो, हाँ। तो आप उनके लिए क्या कहोगी? मान लो मीनाक्षी की सास आपको देख रही है, हाँ। तो आप क्या कहोगी? कहो क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते। ये वीडियो उनको भेजेंगे। पसंद आया क्या नहीं समझी? समझी समझी। रुद्र अम्मा ने आपके लिए बॉल भेजी है, अम्मा जी ने कहा था कि रुद्र को दे देना। हेलो थैंक यू कहते थैंक यू अम्मा जी। थैंक यू मम्मी। आप बहुत अच्छी हो। आप बहुत अच्छी हो। आई लव यू। आई लव यू। रुद्र मुझे थोड़ा चाउमीन दे दो प्लीज। नहीं। इतनी सी दे दो प्लीज। नहीं। एक दाना दे दो प्लीज। एक दे दो ना रुद्र प्लीज। मैं जबरदस्ती ले लूंगी। दे दो। ठीक है। सो गाइज अभी पापा लेकर आए हैं गोलगप्पे चाउमीन वगैरह। सो अभी यहाँ पे मैं सबके लिए गोलगप्पे सर्व करूँगी और फिर हम सब लोग गोलगप्पे खाएंगे। और किस किस के मुँह में गोलगप्पे देखकर पानी आ गया है कमेंट करके बताइएगा। एंड ये गोलगप्पे वगैरह खाने के बाद हम लोग जाएंगे नीचे, क्योंकि ना आज कुछ रस्म होती है चूल्हे वगैरह लाने की, वो हम लोग करेंगे। सो बहुत मज़ा आने वाला है आगे की वीडियो में आपको। हम चूल्हा लाएंगे, चूल्हा लाएंगे, ठमका मारेंगे। गाइस अब से ना आपको हमारी वीडियोस में ढेर सारा एंटरटेनमेंट मिलेगा, इतना कि शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। सारा अम्मा जी से मिलेगा, सारा अम्मा जी के थ्रू। बजाओ मेरो सोने को बन आओ। रुद्र चलो आ जाओ रुद्र, चलो चलो।
गाइस ये देखिए यहाँ पे खाना पीना हो रहा है।